हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, और वो है हमारा मोशन। ठीक, तो हम इस वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक, तो उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो चूंकि मोशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन की हेल्प हमें लेनी पड़ती है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पोजीशन क्या होती है एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, कैसे वो डिफाइन की जाती है, कैसे चेंज होती है, कैसे नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है ना। जब भी हम पोजीशन डिफाइन करेंगे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। यही वो रेफरेंस पॉइंट है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम ये बताते हैं कि हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया, अगर आप कहते हो कि जो दिल्ली है, ठीक है, ये आपकी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक, तो अगर आप कहते हो कि दिल्ली 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई आप ये तो बताइए कि ये दिल्ली जो 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ये कहाँ से है? अलीगढ़ से है, इटावा से है, लखनऊ से है, गोरखपुर से है, बस्ती से है, संत कवि नगर से है, बनारस से है, झारखंड से है। तो देखिए, बिना रेफरेंस पॉइंट के आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि दिल्ली 700 किलोमीटर पे है। अगर आप ये कहते हो कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से दिल्ली 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है, यही आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक, और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसी रेफरेंस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर अपने आप को फिक्स करता है, और वहाँ से वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये समझ में आई कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हमने किया क्या, ये एक पॉइंट लिया ए, और इस पॉइंट ए से हम इस पॉइंट बी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, पॉइंट ए पे है ना, पॉइंट ए पे हमने ऑब्जर्वर को रखा। ठीक है, यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है, और यहीं से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन को डिफाइन करना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन को डिफाइन करेगा, तो डिफाइन करने के लिए इसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी जब भी ये पॉइंट ए जहाँ पे ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में अगर हम पॉइंट बी की पोजीशन को डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जर्वर से क्या है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है ऑब्जर्वर से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आपने बिना डायरेक्शन बताए ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जर्वर ए से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे कहाँ, यहाँ पे है या इस तरफ है, या 2 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरफ है, या 2 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरफ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरफ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरफ है। देखिए, एक पॉइंट से 2 मीटर अगर आपको जाना हो, तो आप इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा सकते हैं,
है ना। अब हर डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए इन दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो तीन पॉइंट जब भी हमें पोजीशन डिफाइन करना होता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट है ना या किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करते हैं या जब किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करते हैं, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें सीखी। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं और इसको हम अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए हमने किया क्या इसके लिए, इसको हमने ले लिया ईस्ट और ये हो गई हमारे लिए वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ओ, यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये डी हुआ, ये ई हुआ, ये एफ, ठीक है। और सबसे पहले हम पोजीशन डिफाइन करेंगे पॉइंट बी की और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो चलिए देखते हैं कि अगर ओ को ये जिम्मेदारी दी जाए बी की पोजीशन को डिफाइन करने की, बी की लोकेशन बताने की, तो ओ कैसे बी की पोजीशन बताता है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो चीज़ें बताएगा, एक तो बताएगा कि इससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, दूसरा बताएगा कि इससे उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बी पे है और ऑब्जर्वर ओ पे है और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर डिफाइन करना चाह रहा है, तो पहले तो बताएगा कि उसकी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जर्वर से, दूसरा बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर से, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जर्वर ओ पे है, यानी पॉइंट बी की पोजीशन हम पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ओ से देखेंगे बी की डिस्टेंस क्या है, तो ये हो जाएगी ओ से बी की डिस्टेंस। और आप देखिए ओ जब बी की तरफ देखेगा तो इस तरफ देखेगा, यानी ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब हम ये जो इंटरवल है आपका, ये जो गैप है एफ और ई के बीच में, ई और डी के बीच में, डी और ए ओ के बीच में, ठीक है, इसको हम 1 यूनिट का अज्यूम करते हैं, ठीक। तो आप देखिए चूंकि ओ से ए है फिर ए से बी है, तो ये गैप जो हो गया 2 यूनिट का हो गया, ठीक है, 2 यूनिट का हो गया। और डायरेक्शन आपको ओ जब देखेगा बी को, तो ओ बी को देखने के लिए ईस्ट की तरफ देखेगा। तो देखिए दोनों चीजें मिल गई, पहला कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जर्वर से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है और किस तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन ओ क्या बताएगा, दैट ऑब्जेक्ट बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट है ना टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जर्वर ओ से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है और किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, ई की पोजीशन बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है, ई की पोजीशन बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सी। तो अगर हम ई की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सी बता रहे हैं, तो देखिए ई की पोजीशन हमें डिफाइन करनी है सी के रेस्पेक्ट में, तो ई पे मान लेते हैं कि ई हमारा ऑब्जेक्ट है और सी पे हमारा ऑब्जर्वर है जो इस ई की पोजीशन डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस देखेंगे और हम डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन देखिए, सी जब ई की तरफ देखेगा तो सी से जो ई की डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, सी से जो ई की डायरेक्शन है वो वेस्ट में है। और डिस्टेंस आप देखेंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कितनी डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट पे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो सी पे है वो ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो ई पे है उसकी जो डायरेक्शन, उसकी जो पोजिशन है
वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट बी की है ना, ऑब्जेक्ट बी की जो डायरेक्शन है, तो पोजीशन जो है वो ओ के रेस्पेक्ट में हमें मिली थी 2 यूनिट की डिस्टेंस पे और किधर, ईस्ट में, ठीक है। अब हम इसी ऑब्जेक्ट जो बी पे रखा हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है, सी के रेस्पेक्ट में। तो सी के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे बी की, तो देखिए सी यहाँ पे है, सी बी की पोजीशन को डिफाइन करना चाहता है तो सबसे पहले डिस्टेंस बताएगा और डायरेक्शन देखिए किस तरफ बताएगा, वेस्ट की तरफ। यानी ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है और वो भी किससे, वो भी किस तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए ओ के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये है, सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये है। अब हम इसी बी की पोजीशन देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एफ, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एफ। तो जब हम एफ के रेस्पेक्ट में इस बी की पोजीशन देखेंगे तो डिस्टेंस पहले बताएंगे, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। यानी बी जो है 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट की डिस्टेंस। देखिए एफ से बी की पोजीशन बतानी है ना, तो आप इधर देखेंगे, यानी आप देखेंगे ईस्ट की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट डी से अगर हम बी की पोजीशन डिफाइन करें, है ना, पॉइंट डी से अगर हम बी की पोजीशन देखें, तो देखिए डी यहाँ पे है, डी पोजीशन हमें बतानी है। अब देखिए डी से बी का गैप डिस्टेंस वाला कितना, 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है डी से ई, बी देखना है तो आपको ईस्ट की डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, उसकी जो पोजीशन है आपका ओ के रेस्पेक्ट में 2 यूनिट टुवर्ड ईस्ट, सी के रेस्पेक्ट में 1 यूनिट टुवर्ड वेस्ट, बी के रेस्पेक्ट में 3 यूनिट टुवर्ड ईस्ट। सिमिलरली है ना, सिमिलरली हम इस बी की पोजीशन, इस बी की पोजीशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओ से भी, ओ से निकाल लिया आपने, हम ई से भी निकाल सकते हैं इसकी पोजीशन, ठीक, ई से। ई से भी देखिए 1, 2, 3, 4 यूनिट की डिस्टेंस है किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि एक अकेला ऑब्जेक्ट जो पॉइंट बी पे है, इसकी पोजीशन जो है अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से, ओ से, सी से, एफ से, डी से, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप डिफाइन करेंगे तो भूल के भी आप रेफरेंस पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे, बिना रेफरेंस पॉइंट के आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज और कि पोजीशन जो होती है ऑब्जेक्ट की वो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के केस में अलग अलग होती है, ठीक है। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बी की पोजीशन बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट के रेफरेंस में वो अलग अलग होगी, ठीक। दूसरी चीज, जब किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो हम दो चीजें बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पे है और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये ऑब्जर्वर से किस डायरेक्शन में, ठीक है। तब जाके हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर देंगे, ठीक। अब आपने अपने लाइफ में हमेशा देखा होगा कि आपसे कोई ना कोई किसी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी प्लेस की पोजीशन पूछता है, ठीक है। और जब आप उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैंने तो उससे कभी कहा ही नहीं कि यहाँ से इतना दूर है, उतना दूर है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो हम ये फिक्स किए होते हैं, हम पहले से ही फिक्स हुए होते हैं कि जैसे मान लिया ये एक पर्सन यहाँ ए पे है और इस पर्सन के पास कोई पर्सन आया और वो बी की पोजीशन जानना चाहता है, ठीक है। एक पर्सन सी आया ए के पास और वो ए के पास जब आया तो वो बी की पोजीशन जानना चाहता है, ठीक। तो जब ये पर्सन ए के पास आया और बी की पोजीशन जानना चाहता है तो ए ए क्या है ना, ए आपको, ए जो है बी की
पोजीशन बताता है, डिस्टेंस भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि रेफरेंस पॉइंट तो मेंशन करता नहीं है। रेफरेंस पॉइंट इसलिए नहीं मेंशन करता है क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने आप के रेस्पेक्ट में ही, ये पर्सन अपने आप के रेस्पेक्ट में ही इस पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो पोजीशन ये बताता है, जो पोजीशन ये बताता है वो अपने आप के रेस्पेक्ट में ही बताता है, ठीक। और अगर अपने आप के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा है तो जिस प्लेस के, जिस पॉइंट के, जिस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताएगा उसको इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा पोजीशन, की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। जब एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहता है तो उसको दो चीज़ें बतानी होती है, पहला कि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पे है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से किस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम देख क्या रहे हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पे आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो पॉइंट ए ने किया क्या कि ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन को बताई, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ना, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ए और बी की डिस्टेंस, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ए ने बी की पोजीशन इस तरीके से डिफाइन कर ली, ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो डिस्टेंस हो गई, है ना, और ये जो एरो है वो डायरेक्शन बता दिया। अब देखिए अगर ये पॉइंट बी यहाँ पे आ जाए कुछ टाइम के बाद, तो आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक। तो देखिए पहले तो डिस्टेंस और डायरेक्शन ये थी, अब डिस्टेंस और डायरेक्शन ये है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है आपका वो यहाँ पे आ गया, यानी डायरेक्शन वही है बट अब डिस्टेंस चेंज हो गई। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस चेंज हुई ना, यानी फिर भी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैसे ही देखिए ये दोनों डिस्टेंस सेम है, बट आप देख क्या रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो तीन तरीके से चेंज हो सकती है। पहला, आप डिस्टेंस को चेंज कर दें, है ना, आप चेंज कर दें कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से जितने डिस्टेंस पे उस डिस्टेंस को आप चेंज करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्शन को चेंज करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आप दोनों को, है ना, डिस्टेंस और डायरेक्शन को दोनों को चेंज करके आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस, डायरेक्शन या दोनों को चेंज करके हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्वर से अपनी डिस्टेंस चेंज कर ली, या डायरेक्शन चेंज कर ली, या डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज कर ली, ठीक है। तो इसका मतलब अब दूसरे तरीके से इसको देखिए, अभी तो हमने इसको चेंज किया, ठीक है। आप सोचिए अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है बी, ठीक है, और ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और पॉइंट ए पॉइंट बी को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये खुद चल के, देखिए अभी डिस्टेंस और डायरेक्शन ये है, ये ए खुद चल के यहाँ पे आ गया, है ना। अब इसकी डिस्टेंस ये चेंज हो गई, डायरेक्शन तो वही है, बस डिस्टेंस चेंज हो गई। ऑब्जर्वर खुद आ रहा है, देखिए ऑब्जर्वर यहाँ खुद आ रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर को ही पोजीशन डिफाइन करनी है ना ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो गई, है ना, डिस्टेंस चेंज हो गई, यानी अभी भी ये ऑब्जर्वर भले ही खुद चल रहा है लेकिन ये कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे आ जाए,
अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाए तो क्या देखेगा कि देखिए फिर इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई और डिस्टेंस भी चेंज हो गई है। तो अब ये क्या कहेगा, फिर ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। अगर ऑब्जर्वर खुद यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर खुद अगर आप जिस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाए, उसके बाद भी ऑब्जर्वर मूव करता रहे, ठीक है, तो भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है पोजिशन चेंज कर रहा है। ठीक, तो अब हम देख क्या रहे हैं कि जो पोजिशन का चेंज होना है, ये जो पोजीशन का चेंज होना है, ठीक है, वो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम टू टाइम, टी वन टाइम पे, टी टू टाइम पे, टी थ्री टाइम पे, अगर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है, ठीक है, वैसे वैसे अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने का मतलब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ठीक है, दोनों में से कोई चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही है, तो यह ऑब्जर्वर कहेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। और जब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज होती हुई दिखाई देगी, तो यह ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट बी इज इन मोशन, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक ठीक है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि ये जो मोशन है, मोशन जो है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन है ना, ये मोशन ऑब्जेक्ट की अकेले की नहीं, ऑब्जर्वर की अकेले की नहीं, दोनों का होना जरूरी है तभी डिफाइन होगा। तो ये जो मोशन है ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होता है जब ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज करता है, ठीक है। सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस तरीके से हमने अपने तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, पहला पोजीशन, दूसरा मोशन और तीसरा रेस्ट, ठीक है, पोजीशन, मोशन और रेस्ट, इन तीन कॉन्सेप्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग होती है। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चाहे इसकी डायरेक्शन चेंज हो, चाहे डिस्टेंस चेंज हो, या दोनों चेंज हो, ठीक है, जब पोजीशन चेंज होगी तो ही हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मोशन में है, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन, मोशन एंड रेस्ट। अब इसके बाद देखिए, ये जो पोजीशन, मोशन और रेस्ट है आपका, ये जो मोशन आपका, ठीक है, मोशन और रेस्ट, रेस्ट और मोशन, ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है, ठीक। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे है या एब्सोल्यूट मोशन में है। एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से रहे देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट जो ए है आपका, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है, और उसी टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मोशन में हो सकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, और सेम टाइम में वो एक दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, अगर आप
ट्रेन का एग्जाम्पल लो, ठीक है। अगर आप ट्रेन का एग्जाम्पल लो तो आप देख क्या रहे हैं कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ट्रेन पे खड़ा ये एक पैसेंजर है, ठीक, पैसेंजर पी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ड्राइंग करते हैं, ये ले लिया, ठीक है, ये एक कोच हो गया और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक पर्सन और है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और ये आपकी ट्री हो गई, ठीक। अब देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी ट्री, ट्री को ये ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जर्वर भी, यानी पर्सन P1 भी ऑब्जर्व कर रहा है और पर्सन P2 भी ऑब्जर्व कर रहा है, पर्सन P1 भी ऑब्जर्व कर रहा है और पर्सन P2 भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। पर्सन P1 जो प्लेटफॉर्म पे है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ध्यान से सुनिए, पर्सन P1 जो प्लेटफॉर्म पे है ना, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ट्री है आपका, ये रेस्ट पे है, ट्री जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। जबकि ये जो पैसेंजर है, ये जो पैसेंजर है, जब तक ये खुद रेस्ट पे है, जब तक ये पूरी ट्रेन रेस्ट पे है और ट्रेन के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है, तब तक तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। जब तक ये ट्रेन रुकी हुई और पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ, तब तक तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। बट जब ये ट्रेन कंटिन्यूअसली ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूअसली ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, तो आप देखेंगे क्या कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, वो चेंज होती जाएगी, ठीक। ये ट्रेन जितनी ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, इस ट्रेन के अंदर ये जो आपका पर्सन है, ये पर्सन ये देखेगा, ये पर्सन देखिए ऑब्जर्व ये पर्सन कर रहा ना, तो ये पर्सन ये ऑब्जर्व करेगा कि ये ट्री जो है ये मुझसे दूर जा रहा है, ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक। तो ये जो पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे है, वो चूंकि रेस्ट पे है, खुद रेस्ट पे है, तो इसको लगेगा कि ये ट्री हमेशा वहीं पे है, इसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। बट ये जो आपका पर्सन है, ये खुद मोशन में है और ये दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसको ये लगेगा कि ये जो ट्री है इसकी पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस ट्री के बीच में और इस पर्सन के बीच में हमेशा चेंज होती रहेगी जब तक ट्रेन मूव करेगी, ठीक है। तो ये एक ही ट्री है और ये ट्री जो आपका इस पर्सन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है और इस पर्सन के रेस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डिफाइन हुआ कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, ये रिलेटिव टर्म होता है। एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्सन के रेस्पेक्ट में, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है और दूसरे पर्सन या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम किसके रिलेशन में इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा या रेस्ट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। सेम टाइम पे एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे हो सकता है और एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये मोशन में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये समझ में आ गया कि रेस्ट और मोशन जो है आपके वो रिलेटिव टर्म है, रेस्ट और मोशन आपके वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए, वो ये कि क्लास एर्थ में जाते जाते हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे 2,3 इस तरीके से, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी जब आप 11th 12th में जाते हैं तभी 2 की 2 की जगह, ठीक है, ये 3 हो जाते हैं, 2 3 1, 2 3 1। अब देखिए, अगर इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे ये चेंज हो, जैसे देखिए 2 3 1 है, एक ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे है वो 2 3 1 है, फिर ये आपका हो गया 3 3 1 पॉइंट बी पे, ठीक है, फिर ये आपका हो गया 4 3 1। तो आप देखेंगे क्या इन तीनों में से सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो जब सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है, वो वन डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। जब इसमें से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, जैसे 2 3 है तो यहाँ 3 0 हो गया, यहाँ 3 4 हो गया, तब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं,
और तब इसका मोशन होगा टू डायमेंशनल मोशन। फिर आप 11 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, है ना, तो आपका ये मोशन होगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन जो है आपका, ये इसमें जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ठीक, ये जो आपका टू डायमेंशनल मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है, और जो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है इसमें ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में मूव करता है। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहां से ट्रक आ रही है, ठीक है, ये रोड की दो साइड, और यहां से एक बड़ी सी ट्रक आ रही है, ठीक, और एक साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, वो यहां से तेजी से जा रहा है। तो जब तक ये ऐसे तेजी से जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे, तब तक इसका जो मोशन है ना, सीधे जा रहा है, तब तक इसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन है। फिर इसने किया क्या, फिर ये अब यहां से मुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो जब ये मुड़ने की कोशिश किया, तब ये जो है ना, ये अब देखिए अब ये प्लेन में मूव कर रहा है। अब जब ये इस तरीके से मुड़ने की कोशिश किया सर्कुलर टर्निंग पे, तब इसका मोशन टू डायमेंशनल मोशन हुआ, यानी अब ये प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, जब ऐसे सीधे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसी पेपर में, पेपर के प्लेन में अगर ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन, पेपर के प्लेन को छोड़ के जब ऊपर उड़ने लगा, ये उसी तरीके से है जैसे एक है ना मॉस्किटो यहाँ प्लेन पे है, ठीक है, पेपर के प्लेन पे या टेबल के प्लेन पे, वो यहाँ पे बैठा है, फिर यहाँ से यहाँ आया, बिना उड़े यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, बट जब ये उड़ेगा यहाँ से फ्लाई करेगा, ठीक है, स्पेस में जब आएगा तो इसका मोशन थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इस तरीके से सीधे आ रहा था तो स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल, फिर जैसे यहाँ से टर्न किया, ठीक है, तो इसका मोशन इन प्लेन हो गया। टर्न करते समय हुआ कि ट्रक आके इसको खूब तेजी से लड़ाया और ये उड़ गया, ठीक है, मूवी की तरह, और तब इसका मोशन जो हो गया वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया यानी स्पेस में। तो इस तरीके से वन डायमेंशनल मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है आपका, और थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, टू डायमेंशनल मोशन में आपका प्लेन में चलता है, और थ्री डायमेंशनल मोशन में आपका स्पेस में चलता है। ठीक है, अब अगर ये पेपर की पीस है, ये पेपर की पीस है, तो जब तक मोशन इन कॉर्नर पे हो रहा है, तो इन कॉर्नर पे अगर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका वन डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे अंदर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। यहाँ से इस प्लेन को छोड़ के अगर उड़ गया, फ्लाई कर गया, ठीक है, और ऊपर स्पेस में आपके कमरे में मूव कर रहा है, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक, वन डायमेंशनल मोशन को या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, पोजीशन को हमने क्या डिफाइन किया कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम दो चीजें बताते हैं, पहला डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और दूसरा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर एक ऑब्जर्वर ने ये नोटिस किया कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, या ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, या डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अदरवाइज अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ना तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, ना तो डायरेक्शन, तो ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस तरीके से जो मोशन हुआ वो कंबाइंड प्रॉपर्टी हुई ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सेम इसके बाद हमने क्या देखा कि पोजिशन, रेस्ट और मोशन के बाद हमने ये देखा कि रेस्ट और मोशन ये जो आपके होते हैं ये रिलेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं।
अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन आपका रिलेटिव टर्म है, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है तो टू डायमेंशनल मोशन, अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक। वन डायमेंशनल मोशन में एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू डायमेंशनल मोशन में टू पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन में देखिए ये दो कोऑर्डिनेट तो आपको नाइन्थ में पढ़ना ही है, अर्थ में भी आप पढ़ के आए, तो इसको तो आप जान ही लीजिए कि दो में से एक पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर सिर्फ चेंज होगा तो वन डायमेंशनल, और इस केस में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल, और ऑब्जेक्ट आपका इस प्लेन में मूव करेगा, और तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट ये आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर चेंज होंगे तो थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस में मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला लेक्चर खत्म हुआ मोशन का, ठीक है। इसमें हमने पोजीशन को, मोशन को, रेस्ट को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।